किस काम के लिए बोला गया है? क्लीनर के लिए। कंपनी कह रही है जिस समय क्लीनर का काम होगा उस समय क्लीनिंग का काम मिलेगा, क्योंकि आप लोग का वीजा जो लगेगा वो 2 साल के लगेगा, मानते हैं ना भाई? लेट सपोज कंपनी के पास है स्काफोल्डर हेल्पर का काम, तो उस समय आपको स्काफोल्डर हेल्पर काम करना पड़ेगा। उसके पास इलेक्ट्रीशियन हेल्पर का काम है, आपको इलेक्ट्रीशियन हेल्पर के लिए काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि क्लीनर का ही हम काम करेंगे। क्लियर है ये बात आपको? बिल्कुल क्लियर है। सैलरी आपकी जो बनती है वो 5 रुपए से 5.5 दिरहम घंटा है, स्काफोल्डर हेल्पर में 6.5 दिरहम घंटा है, लेकिन आप दिमाग में डाल के चलो 5 से 5.5 दिरहम पर आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। सबके हाथ में एक एक हफ्ते का खाने का पैसा होना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर जब आपका अकाउंट खुलेगा रैक बैंक का, उसमें आपको 300-300 दिरहम मिलेगा, डिपॉजिट आएगा आपका, जो फूड अलाउंस होगा, जो आपकी सैलरी डिडक्ट होगा। क्लियर है? किसी को उर्दू नहीं समझ में आ रही, हमारी भाषा नहीं समझ में आ रही, हमें बोलो अभी, आ रही है समझ में ना? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो पूछ लो, क्योंकि आप सारे लोग जाओगे क्लीनर कम हेल्पर में। क्लीनर का काम आपको मिला वेल एंड गुड है, क्योंकि क्लीनिंग में इंग्लिश भी चाहिए होती है। कंपनी पहले आपका वीजा प्रोसेस करती है, आप अभी यहाँ से माइंडसेट करके निकलना, अगर हमें सर ने पासपोर्ट दे दिया ठीक है और हमने कंपनी में डाला, 24 घंटे के अंदर आपका एमओयू टाइप हो जाएगा। उसके बाद आप में से कोई भी मना करेगा पीछे हटेगा, आपको एमओयू की फीस, लेबर कार्ड की फीस, उसकी रिसिप्ट मिलेगी, आपको रसीद मिलेगी, वो पैसा देने के बाद ही आपका पासपोर्ट मिल सकता है। चाहे सर कहे चाहे मैं कहूँ, कुछ नहीं मिलना है, जो कंपनी आपके ऊपर पैसा लगा चुकी होगी। तो आप अपना दिल दिमाग खोल कर पहले मेरी बात फिर से समझ लो। क्लीनर का काम भी मिल सकता है, कोई भी हेल्पर का काम मिल सकता है। सैलरी है 5 रुपए 5.5 दिरहम पर आवर। अगर आप 26 दिन रेगुलर काम करते हो, एक भी दिन छुट्टी नहीं करते हो, 50 दिरहम बोनस भी मिलेगा। वहां पर कंपनी में 1540 मिनिमम हेल्पर की सैलरी आ रही है, और अगर कोई ट्रेड का काम जानते हो तो उसमें भी आप जा सकते हो, वो 6.5 दिरहम 7 दिरहम। अभी सारे लोग एग्री हो गए, लगेज के साथ अभी शिफ्टिंग करा देंगे। जी जी, क्लियर है भाई लोग बात? सबको समझ में आ गया ना? आप लोग को बताएगी, बाद में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है? जो जो बंदे एग्री है वो तो छुट्टी वगैरह 26 दिन की मैंने सैलरी बताई है, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पर हम डेली पठान डाल रहे हैं। आप जब कंपनी में जाते हो तो आपको एक मिनट में मालूम चल जाता है क्या झूठ है क्या सच। हो सकता है मैं सारी बात झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल 50 लोग गए। तो आप कंपनी में जब जाओगे, कंपनी में पठान मिलेगा आपको, सारे लड़के जो आपके लिए हैं, तो वो तो क्लियर कर देंगे ना यार। तो ये दिमाग से निकाल दो, आप ये दिमाग में डाल के जाओ कि जो काम है वो करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। कोई कंफ्यूजन हो अभी पूछ लो, यहाँ पर अभी हो, पासपोर्ट अभी हमने नहीं लिया है।